मैं समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हम चौकीदार को ऊपर से देखते हैं, वो अपना डंडा ठोक के जा रहा होता है और जैसे ही वो हमारे घर से थोड़ी दूर जाता है, ये सीटी चौकीदार ने नहीं बजाई थी, ये यश था। तो पता है, जब मैं 10th क्लास में था, पढ़ाई में मैं तो कुछ खास नहीं था। मैं उन बच्चों में से आता था जो पढ़ाई छोड़कर सारे कामों में अच्छे होते हैं। तुम इनसे क्रिकेट खिलवा लो, फुटबॉल खिलवा लो। हाँ, मैं भी वैसे ही था, स्पोर्ट्स में अच्छा, क्रिएटिविटी में अच्छा, बस पढ़ाई मत करवाना। फिर रिलेटिव्स भी कुछ ऐसे ताने मारते थे, पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करवा लो इनसे। हाँ तो उसमें दिक्कत क्या है सड़ेली आंटी, पढ़ पढ़ के क्या तुम्हारे विक्की जैसा हो जाऊं? 2 1 2 2 2 4। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो 10th क्लास बोर्ड होती है और इस क्लास में तुम्हारे पास चॉइस नहीं होती, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा घर वालों के प्रेशर के कारण। फिर यहाँ तुम्हारी क्रिएटिविटी या टैलेंट काम नहीं आते, भले तुम्हें जमीन पे सर रख के इतना तेज घूमना आता है कि तुम उड़ भी सकते हो। तो जब मैं 10th क्लास में था, मेरा पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ उपाय बताए, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके पढ़ने बैठा कर सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये सुबह उठ के जल्दी पढ़ने वाली बात लोग इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताते? नहीं, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, हाँ बेटा साल भर पढ़ाई नहीं करी और अभी तुम्हारी फट रही है, कोई बात नहीं, एक दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, सब कुछ याद हो जाएगा। तो अंकल, आप सुबह उठ के पढ़ लेती है, गैराज क्यों संभाल रहे हो? क्योंकि मैं सुबह उठ के पाना फेंकने की प्रैक्टिस करता था साले, बात करता है। अब देखो, मेरे से तो पढ़ाई हो नहीं रही थी और मेरे 10th के प्री बोर्ड्स भी पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे एक दोस्त के साथ पढ़ाई कर लेता हूँ। तो उस टाइम मेरा एक दोस्त था, उसे हम बोलेंगे यश, क्योंकि उसका रियल नेम यशश था और मुझे वो बहुत अजीब लगता था। ऐसा लगता था दो यश नाम के बंदे एक ही में घुसेड़ दिए। अब जो ये यश था ना, ये पढ़ाई और मस्ती दोनों में अच्छा था, मुझे नहीं पता कैसे था बट था। तो अब मैंने फटी में अपनी झोली और पानी की कुप्पी उठाई और यश की गुफा की तरफ चल दिया। यश, मुझे भी पढ़ा ले अपने साथ, पहले ये बता तेरा SST में कितना हो गया? अरे SST की तो पुस्तक ही नहीं मिली मेरे को जब मैं लेने गया था। तू पुस्तक खरीदने कब गया था? सोमवार। सोमवार माने? माने का ये? ओ, फिर तो तू पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर मैं अपनी पानी की कुप्पी और झोली उठा के घर आ गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। मैंने यश को समझाया था कि मैं कवर कर लूंगा उसके साथ सारा कोर्स, तो वो भी जैसे तैसे मान गया क्योंकि उसको भी वापस से पूरा सिलेबस रिवाइज करना था। पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज, समझ रहे हो? और इधर एक मैं हूँ जिसे सिलेबस तक नहीं पता। मेरे पास कुछ था तो वो थे पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि वो रिपीट होते हैं। मगर खैर, यश के साथ मेरी पढ़ाई सही चल रही थी। बट फिर मेरे दो और दोस्त जिनकी सेम मेरी जैसी हालत थी, वो भी यश के घर आ जाते हैं पढ़ने के लिए और यश उन्हें आने भी देता है। और कसम से ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी। अभी हम बस दो लोग थे इसलिए हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, बट अब हम चार लोग हो चुके थे। हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या होता है, हम सब मजा कर रहे होते हैं। ओए यारों का यार, दुश्मनों की हार, रोल नंबर 21 बना सुपरस्टार, सुनो कहानी नंबर 1 इसका रोल नंबर 21। अभी चल क्या रहा है, हम तो पढ़ाई करने बैठे थे ना। पता है, हमने पूरा दिन मैगी खाने में और कार्टून की बात करने में लगा दिया था, इसलिए कभी भी ग्रुप स्टडीज करने मत जाना, ठीक है? ग्रुप स्टडीज स्मार्ट लोगों की चीज नहीं होती है यार, और मुझे पता है तुम लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हो, और मैं श्योर हूं तुमने रेलेवेल के बारे में भी सुना ही होगा और काफी लोगों ने तो अभी तक रजिस्टर भी कर दिया होगा। काफी स्मार्ट जो हो तुम लोग, और नहीं किया है तो रेलेवेल अभी वापस आ गया है दो न्यू टेस्ट के साथ इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। कंपनीज लाइक क्रेड, अपग्रेड, राजर पे, ये सब रेलेवेल से हायर करती है यार, विद पैकेज अप टू 22 लाख पर एनम। समझ रहे हो कितना सारा पैसा है? अरे भाई, लेकिन करना क्या होगा इसके लिए? मैं बताता हूँ, तुझे फर्स्ट फेज में पास होने के लिए 150 प्लस का स्कोर लाना पड़ेगा एंड सेकंड फेज में 700 प्लस का स्कोर तुझे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा और बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी क्वालिफाई करेगा। भाई, ये टेस्ट के लिए पैसे भी लगते होंगे ना? अबे यार, तेरे में सच में दिमाग नहीं है, क्यों आते है तू मेरी वीडियोस में? रेलेवल टेस्ट बिल्कुल फ्री है यार, कोई पैसा नहीं लगेगा, और अगर तुमने टेस्ट पास कर लिए तो कंपनीज तुम्हें गारंटी पैकेज ऑफर करेगी अप टू 4 लाख फॉर नॉन टेक रोल और 6 लाख फॉर टेक रोल। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो, तनिष्क सिंह जो भी रिसेंटली प्लेस हुआ है क्रेड में विद पैकेज 40 लाख पर एनम, अगर तुम 18 हो या 18 से ज्यादा तो तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और रेलेवल पे तुम्हें साइन अप करने के लिए relevel.com पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें अपने हिसाब से टेस्ट की डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और स्लॉट बुक करना पड़ेगा। और सुनो एक सीक्रेट, स्लॉट बहुत लिमिटेड है इसलिए अभी जाके बुक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इनका फर्स्ट एवर अचीवर भी सबमिट होने वाला है 18 नवंबर एट 7 PM जहाँ पर सुनील छेत्री सर भी होंगे और बहुत से वो लोग भी जिनके रेलेवल के थ्रू जॉब लगी है, तो जाके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने नोटिफिकेशन भी ऑन
कर लेना, तुम्हें सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ बैक टू द वीडियो। पूरा दिन बर्बाद कर देने के बाद हम लोग फाइनली रात में बैठते हैं पढ़ने। और तुम्हें पता होगा अगर तुम दोस्त लोग के साथ होते हो रात में तो तुम में एक अलग सी एनर्जी होती है। बस वही एनर्जी यश में बहुत ज्यादा हो गई थी। हम रात में 10 बजे बैठे थे पढ़ने, उसके जस्ट 15 मिनट बाद यश बोलता है, बस यार अब पढ़ाई बंद करते हैं, मन नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है फिर। क्या हुआ, तू नहीं तो बोला बंद करते? अरे तू सो क्यों रहा है, आज अपन मजा करेंगे। भाई तू ऐसे क्यों हंस रहा है, मुझे डर लग रहा है। सुन उधर से नमकीन लेके आ, फियर फाइल्स लगा टीवी पे। भाई ये बंदा पढ़ाई छुड़वा के माहौल बनाने में लगा है। देखते ही देखते रात में 10 से 2 बज जाती है। बट फिर हमें एक आवाज आती है। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो उसकी तो जान ही निकल जाती कि ये आवाज कहाँ से आई। बट ये हमारा चौकीदार था। तुम लोग के उधर होते या नहीं पता नहीं, बट हमारा चौकीदार रात में 2 से 3 के बीच में आता था, ताकि अगर रात में कहीं पर चोरी हो रही हो तो इसको पता चल जाए। ये बंदा एक तो इतने डरावने तरीके से ठोकता है ना 3 बार, सोचो रात में एकदम सुनसान माहौल और फिर 3 बार ठोकने की आवाज। भाई ऐसा चौकीदार हो तो मैं तो कभी चोरी ना करूं, क्या भूत भूत बुलाता है क्या रात में 3 बार ठोक के। खैर अब हम लोग को आती है चौकीदार की आवाज रात में। एक सेकंड के लिए तो हम सब शांत हो गए। फिर यश बोला, ओए चलो बाहर उसको ऊपर से देखते हैं। मैं समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हम चौकीदार को ऊपर से देखते हैं, वो अपना डंडा ठोक के जा रहा होता है, और जैसे ही वो हमारे घर से थोड़ी दूर जाता है, ये सीटी चौकीदार ने नहीं बजाई थी, ये यश था। हम लोग जल्दी से भाग के अंदर आते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं। हमारी जान निकल चुकी थी, रात में 3 बजे ये बंदा चौकीदार की मजे ले रहा है। चौकीदार के पैरों की आवाज वापस आ रही होती है, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस चला जाता है। मगर फिर से जैसे ही चौकीदार सीटी बजाता है, उसके बाद यश भी बजा देता है। इस बार चौकीदार समझ जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि किसी भी घर में लाइट नहीं जल रही होती है सिवाय यश के घर के, और हमको वो चीज पता ही नहीं थी। वो चौकीदार यश के घर के नीचे आके खड़ा हो जाता है और अपने पैरों की आवाज करता है। यश को लगता है वो फिर से चला गया। यश गेट खोल के जैसे ही बाहर निकलता है सीटी बजाने, हाँ चल देख लिया, अब नीचे आ जा, तेरी सीटी बजाता हूँ, चल जल्दी नीचे आ। हम लोग कसम से इतना तेज भागते हैं घर के अंदर, लाइट बंद करके एकदम शांत। बट वो चौकीदार अब यश का गेट ठोकने लग जाता है जमजम से। हम लोग की बहुत गंदी फट चुकी थी, और यश के घर वालों में से कोई उठ जाता ना, हमारा तो खेल ही खत्म हो जाना था। मगर थोड़ी देर बाद वो चौकीदार अपने आप चला जाता है, मुझे नहीं पता कैसे, बट हाँ। भाई उस दिन रात भर नहीं सोए थे हम लोग। बट क्या, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मारना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। 200K के बहुत करीब है, बहुत तो नहीं है बट है तो कर देना, ठीक है। एंड रीलेवल को भी चेक करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।